नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ अकोला में। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केळकर हॉस्पिटल, जो अकोला सिटी में है, जो महाराष्ट्र में, इंडिया में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, मतलब कंटिन्यू चलने वाला शारीरिक और मानसिक थकावट की बीमारी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे बंडल लेके आते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर के पास जाके आते हैं, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस, और वो हमें ये बताते हैं कि हम सब इन्वेस्टिगेशंस करके आए, सीटी, एमआरआई स्कैन, थायराइड, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस करके आए, लेकिन सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आए हैं, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि मैं शारीरिक रीत्या थक गया हूँ या थक गई हूँ, या मानसिक रीत्या थक गया हूँ या थक गई हूँ। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले अगर हम सिर से पैर तक शुरू करते हैं तो सिर दर्द करना, सिर में अंगार होना, कान से गरम गरम वाफ निकलना, कान में अलग अलग प्रकार के आवाज आना, खट्टी डकार आना, अलग अलग प्रकार के बास आना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, थकावट लगना, गले में हिचकिचाहट होना, कमर दर्द, सिर दर्द, कंधे दुखना, हाथ पैर दर्द करना, आंखों के बीच में दर्द करना, क्लियर न दिखना, पीठ दर्द करना, हल्का हल्का सा बुखार लगना, लिम्फ नोड पाल्पेबल होना, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स है वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में दिखते हैं। इसमें खासियत यह है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे और जितने भी अलग अलग प्रकार के फिजिशियंस के पास आप जाएंगे, उतना ही आपकी तकलीफ और बढ़ेगी, क्योंकि सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल निकलते हैं और हर फिजिशियन अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट देता है, लेकिन पेशेंट को कुछ भी फायदा होता नहीं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट समझना जो चीज़ है, जो समझनी यह है कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का जो ओरिजिन है, जो बिगिनिंग है, वो है मेंटल इलनेस। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम अगर किसी को हो गया तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो पेशेंट को मानसिक बीमारी है क्या, क्योंकि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में अलग अलग प्रकार के मानसिक बीमारियों के कारण ये बीमारी होती है। इसका कॉज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो, घर में अगर पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, पढ़ाई में टेंशन आ रहा है, काम में, जॉब में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी स्पेशली 30 to 40 ईयर ओल्ड फीमेल्स में, स्त्रियों में ज्यादातर पाई जाती है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का प्रॉब्लम यह है कि ये अगर बीमारी हो गई तो इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां भी होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को स्ट्रेस आने लगता है, पेशेंट को नींद नहीं आती, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज या कोई भी काम नहीं कर सकता, उदास लगने लगता है, नैराश्य आने लगता है, उदासीनता छाई जाती है, और उसी के साथ में एंग्जाइटी भी पेशेंट को होने लगती है। पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि मेरी बीमारी का कोई भी हल नहीं निकल रहा और मेरी बीमारी की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में दिखते हैं। हाल ही में हमने एक पेशेंट देखा, वो पेशेंट को सर से लेकर पांव तक हर एक ऐसा बॉडी पार्ट था जो दुख रहा था। वो बोल रहा था कि मेरा सर दर्द होता है, कंधे दर्द होते हैं, पेट दर्द होता है, पीठ दर्द होती है, पैर दर्द होते हैं, गैस बनती है, पेट में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होती है, हाथ का कांपना, पूरा शरीर का कंपन करना, ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स वो बता रहा था। जब हमने सब इन्वेस्टिगेशंस देखे तो हमें यह ध्यान में आया कि सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तब हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, काउंसिलिंग करना चालू किया। हमने उसको कैसा ठीक किया वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का ये वीडियो पसंद आता है, मतलब शारीरिक और मानसिक दृष्टिया जो थकावट होती है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे के वीडियो में आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में हमने क्या किया वो बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।